अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जसराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर डेटाबेस अनोमलीज, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन अनोमलीज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। डेटाबेस अनोमलीज डेटाबेस एरर्स भी कहलाती हैं, और ये कब अकर होती हैं, जब आपके टेबल्स के अंदर, रिलेशंस के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हों। आपके टेबल्स के अंदर प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिडंडेंसी आएंगी कि आपने सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज अगर टेबल्स के अंदर स्टोर की हुई हैं तो आपको डेटाबेस अनोमलीज का सामना हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स अपडेट अनोमलीज भी कहलाती हैं। अपडेट अनोमलीज इंसर्शन के टाइम पर, डिलीशन के टाइम पर एंड मॉडिफिकेशन के टाइम पर, जब ये तीनों ऑपरेशन किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर डेटा हम इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे, तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं अक्कर हो सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो भी किसी टेबल के अंदर अगर हम अपडेट करें तो वो लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और हमें इन अनोमलीज़ को रिमूव करना पड़ता है ताकि हम टेबल्स के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तीन तरह के अनोमलीज़ हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। सबसे पहले बात आती है इंसर्शन अनोमली की। इंसर्शन अनोमली कब अकर होगी, जब एक नया रिकॉर्ड हम किसी भी टेबल के अंदर डालेंगे। ये इंडिकेट करेगा कि एक यूज़र जो है वो किसी भी एंटिटी से रिलेटेड कोई ख़ास एट्रीब्यूट्स अंदर टेबल के नहीं डाल सकता जब तक उस एंटिटी से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट्स उसके पास मौजूद ना हों। सपोज अ यूज़र वांट्स टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टूडेंट रिलेशन। ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें रोल नंबर 1, 2 एंड 3 के रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब ही मस्ट एंटर द वैल्यूज फॉर बोथ एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। हम खाली जो रोल नंबर है और बच्चे का नाम, अगर कोई एडमिशन आया है, हम उसको तब तक इस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक उसके सब्जेक्ट हमें पता ना हो, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक अंडरलाइंड है, तो ये एक प्राइमरी की का पार्ट है। यहाँ पर कंपोजिट की यूज़ हो रही है कि रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों मिलकर कंपोजिट की बना रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि जो आपकी प्राइमरी की होती है या कंपोजिट की होती है उसकी जो वैल्यू है दैट कैन नॉट बी नल। तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ आपको लाजमी चाहिए होंगी ताकि आप कोई भी नया रिकॉर्ड अंदर इंसर्ट कर सकें। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट आपके पास आया हो जिसने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं अभी ना रखे हों, या अभी वो फॉर श्योर ना हो उनके बारे में, तो आप तब तक उस बच्चे का डाटा भी इस टेबल में ऐड नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपने सब्जेक्ट्स रख नहीं लेता। तो यहां पर क्या है, आपके पास आ गई इंसर्शन अनोमली। नेक्स्ट बात आ जाती है डिलीशन अनोमली की। डिलीशन अनोमली कब होगी, व्हेन एवर अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन। इसमें होगा क्या कि कोई ख़ास एंटिटी का हमने कुछ ख़ास रिकॉर्ड डिलीट किया है, तो अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चला उस एंटिटी से रिलेटेड दूसरे फैक्ट्स भी डिलीट हो गए। अब नीचे टेबल देखें, ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें अगर आपने रोल नंबर 2 का जो रिकॉर्ड है उसमें अपडेट करनी है, उसको डिलीट करना है, तो क्या होगा कि रोल नंबर 2 के रिकॉर्ड के साथ साथ उसका ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा, और वो बच्चा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में ही डिलीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली फेसिंग द अनइंटेंडेड लॉस ऑफ डाटा ड्यू टू डिलीशन ऑफ अदर डाटा, ठीक है। आपने डिलीट कोई एक ख़ास इन्फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन उसी एंटिटी से रिलेटेड कुछ ख़ास फैक्ट जो आप डिलीट नहीं करना चाहते थे वो भी आपके पास डिलीट हो गए। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आपने टेबल के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं, तो कोई एक इन्फॉर्मेशन डिलीट होएगी तो उसके साथ इम्पॉर्टेंट दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी।
नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन एनोमली। ये जब भी आपने कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना है उस टाइम मॉडिफिकेशन एनोमली या मॉडिफिकेशन एरर आएगा। इट इंडिकेट दैट इफ़ अ यूज़र चेंजेस अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी, तो उसको यूज़र को अगर उसने किसी भी एट्रीब्यूट की सिंगल वैल्यू भी चेंज करनी है तो उसे जहाँ जहाँ उस यूज़र का रिकॉर्ड है जिस डाटा को अपडेट करने जा रहा है उसकी सारी रोज को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर अगर आप देख लें तो ताहर अली का जो रिकॉर्ड है वो 3 रोज में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर ताहर अली ने अपना जो है ग्रुप जो आईसीएस से प्री इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है तो आपको इन तीनों लाइंस को अपडेट, तीनों रोज को अपडेट करना पड़ेगा ताकि डाटा कंसिस्टेंट रहे। और हो सकता है कि जो एंट्री ऑपरेटर है डाटा एंटर कर रहा है वो क्या, वो कोई एक रो मिस कर दे, उसको अपडेट ना कर सके, तो उस वजह से आपकी जो है वो अपडेशन एनोमली आ जाएगी और ताहर अली का जो रिकॉर्ड है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ताहर अली का नेम यहाँ पर अपडेशन में प्रॉब्लम कॉज करेगा क्योंकि वो 3 रोज़ के अंदर उसका रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया तो 1 या 2 लाइनों में चेंज कर देगा, तीसरी रह जाएगी और रिकॉर्ड जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।